television. इस दुनिया में अगर हम दिन और रात का फर्क कर पाते हैं तो उसकी सिर्फ एक वजह है, सूर्य, जो इंसानों को नहीं बल्कि पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए ऊर्जा देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण कर लिया है? यह सूर्य भी असली सूरज की तरह प्रकाशमान होगा। चीन ने जो कृत्रिम सूरज विकसित किया है वो परमाणु फ्यूजन की मदद से 10 गुना ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने में सक्षम होगा। दावे के मुताबिक यह 10 सूर्यों के बराबर होगा। चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ न्यूज़ के अनुसार चीन ने हाल ही में एक रिएक्टर का निर्माण पूरा किया है और 2020 तक इसके संचालन शुरू होने की उम्मीद है। चीन के इस कृत्रिम सूरज को HL-2M का नाम दिया गया है और इसका निर्माण चीन के नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ने साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के साथ मिलकर किया है। वैज्ञानिकों के दावे के मुताबिक पूरी तरह से सक्रिय होने पर रिएक्टर सूरज की तुलना में 13 गुना अधिक तापमान तक पहुंचने में सक्षम होगा, जो लगभग 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। हमारे सूर्य का अधिकतम तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी पर परमाणु संयंत्रों में हमेशा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंड का उपयोग किया जा यह तब होता है जब गर्मी परमाणुओं को विभाजित करके उत्पन्न होती है। परमाणु संयंत्र वास्तव में सूर्य पर होता है और यही चीन के HL-2M के निर्माण का आधार है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।